प्रश्न हो लिया। यस, नाम बोलो। रेनू। रेनू कहाँ से आई? दिल्ली सुल्तानपुरी से। अच्छा, मेरे पास कौन सी बार आई? मैं छठी बार आई हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ, मुझे विश्वास सा बन गया है। अच्छा, जैसे जल्दी जल्दी आ रही है, कुछ लाभ भी मिल रहे हैं या ऐसे ही आ रही है? लाभ मिल रहा है। ऐसे ही कभी अपने घर का किराया लगा रही हो या आदमी को धोखा दे रही है? मैं पहले 10-10, 15-15 गोली खाती थी, आए दिन टीके लगवाती थी। कभी पेट में दर्द हो रहा है, तो कभी सिर में दर्द हो रहा है, तो कभी चक्कर आ रहे, हाथ पैरों में कंपन हो रही है। लेकिन हाथ पैर में तो अपने पति का बहुत पैसा लगवा दिया होगा। बहुत लगवा। हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं? कभी तो वो बोलते थे कि सिर का, इनके कानों की हड्डियां गल गई, इनका ऑपरेशन होएगा। अभी 5 महीने कान की हड्डियां गल गई। हाँ, तो दोनों कानों का ऑपरेशन हुआ है मेरा। अच्छा। और चलती अचानक से एक्सीडेंट हो गई, तो ये सरिया पड़ गया पैर में। अच्छा। उससे पहले लकवा लग गया, उससे पहले बच्चादानी निकल गई, 5-6 ऑपरेशन हो गए मेरे। 5-6 ऑपरेशन हो? हाँ जी। और अभी पित्त की थैली का ऑपरेशन। माल डॉक्टरों को दे दिया, उन्होंने तो हजम कर लिया, उनके सब हजम। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं था ऐसा बताने वाला। मैंने इलाज भी बहुत करवाए दुनिया में, पैसे भी बहुत लगवाए। कहाँ कहाँ गई है? मैं राजस्थान तक का हो आई। क्या बताते थे वो लोग? वो ये कहते थे कि ओपरी कराई है, ओपरी कराई है, लेकिन इस दाम पे आके जो जड़ निकाली है ना, वो नहीं निकली। अच्छा, मुझे एक बात बता। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो यहाँ कहीं और 8-8 साल भी भटक आए, एक एक जगह रह के आए, 10-10 साल, 15-15 साल, ठीक है, वो कभी ठीक नहीं हुए, 1 रुपए का आराम भी नहीं पड़ा उनको, और वो फिर भी माँ कीर्तन करते रहते थे। ऐसे लोगों को क्या सलाह देते हैं? उन लोगों को यही सलाह देते हैं कि मनु भैया जी के दाम पे आए, कुछ नहीं लगता, आप टाइम निकाल के आओ। तो लगता होगा ऐसी क्या भाई, कुछ नहीं भाई। देखो, जहाँ भी जाएंगे तो जाना तो पड़ेगा, अपना भला ही चाहते हैं, किराया भाड़ा तो लगेगा, अपने सुख के लिए तो जाना पड़ेगा। अब घर बैठे ये सोचे कि मुझे सारी चीज घर में आएंगे, वो तो आने के नहीं, खाना बना लेंगे ना, तब भी हाथ आगे बढ़ाएंगे, तभी खाया जाएगा। अभी शरीर में कहाँ दर्द? अभी तो यही दर्द रहता है, है? अभी नहीं है, यहाँ बैठी थी तब यही दर्द था, लेकिन पैर कांप रहे हैं। जब तू मेरे सामने खड़ी होगी और प्रेत को कंपन भी नहीं आएगी, फिर मेरा फायदा क्या होगा? तो मैं प्रेत निकालने वाला नहीं हूँ। मान लिया मैं किसी चीज को मार, कसाई के सामने भी अगर आदमी के गर्दन में फांसी का फंदा है, कसाई के सामने भी नहीं डरेगा, तो वो किससे डरेगा भाई? और जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं परसों यहाँ से गई हूँ, तो उसके बाद मैं ना गलत तरीके से आपको बना के वो ऐसे प्रेत ऐसे, लेकिन उसको जल्दी मार लग जाएगी जल्दी। आज मेरे घर वाले नहीं आए मेरे साथ, कह रहे जा अकेली जा। क्यों? अर्थात की तो अकेली आने जाने चालू हो जाए।